इस देश में जिसके गले में मटका डाला उसकी भावना नहीं थी क्या? भीमा कोरेगांव में कहा कि वो शस्त्र नहीं पकड़ सकते, और 500 महारों को जब शस्त्र पकड़ाया तो पेशवाओं की सेना के छक्के छुड़ा दिए। हमारी काबिलियत और हुनर तुमने रोका था, हमारे अंदर पूरी काबिलियत है। भीमा कोरेगांव ब्राह्मणवादी यानी पेशवाई की बहुजनों के हाथों हार का एक प्रतीक है। 1 जनवरी 1818 को महाराष्ट्र में पूना के नज़दीक भीमा कोरेगांव में अंग्रेजों की फौज के साथ मिलकर लड़ते हुए महारों की 500 की सेना ने मराठा पेशवाओं की 28,000 से भी ज़्यादा की फौज को शिकस्त देते हुए उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया था। बाद में 1851 में इस युद्ध में मारे गए सैनिकों की याद में अंग्रेजों ने यहां एक स्तंभ का निर्माण करवाया, जिसके ऊपर ज़्यादातर महार सैनिकों के ही नाम कुदे हैं। मुख्यधारा का इतिहास आज भी इस महत्वपूर्ण घटना की ओर आंखें मूंदे हुए है। 1 जनवरी 1927 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने यहां अपने साथियों के साथ आकर उन महार सैनिकों को याद किया जिन्होंने भयंकर जातिवादी और प्रतिक्रियावादी पेशवाओं की सेना को शिकस्त देते हुए कई सारे जातिगत मिथकों को तोड़ डाला था और बहुजनों के आत्मसम्मान को ऊंचा उठाया था। शायद यहीं से प्रेरणा लेते हुए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1926 में समता सैनिक दल की स्थापना की थी। तब से हर साल यहां लाखों की भीड़ उमड़ती है और हर बहुजन आंदोलन व जनवाद की लड़ाई से जुड़े लोग यहां आकर अनेकों कार्यक्रम पेश करते हैं और जाति व्यवस्था के खात्मे की शपथ लेते हैं। महारों की सेना द्वारा पेशवाओं की सेना पर इस विजय के महत्व को हम तभी अच्छी तरह समझ सकते हैं जब हम पेशवाओं के राज्य में महारों की क्या स्थिति थी ये जानें। पेशवाओं के राज्य में महारों को सार्वजनिक स्थलों पर निकलने से पहले अनिवार्य रूप से अपने गले में खड़ा और कमर में पीछे झाड़ू बांधनी पड़ती थी, जिससे उनके पैरों के निशान खुद ब खुद मिटते रहें और उनकी थूक सार्वजनिक स्थलों पर ना गिरे ताकि सार्वजनिक स्थल अपवित्र ना हो। अपनी इसी स्थिति के कारण महार योद्धाओं के दिलो दिमाग में ब्राह्मणों और तथा कथित ऊंची जातियों के प्रति सदियों से जो नफरत बैठी होगी, उसी नफरत ने उन्हें वह ताकत दी जिससे वे अपने से संख्या में कहीं ज़्यादा पेशवाओं की सेना को वापस भगाने पर मजबूर कर दिया। इस युद्ध ने वर्ण व्यवस्था के उस मिथक को भी चूर चूर कर दिया कि एक ही जाति में लड़ने की काबिलियत है। बहरहाल भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।